फ्री फायर में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जो कि है पिंग नॉर्मल बट गेम नॉट वर्किंग। ये प्रॉब्लम क्या होता है, देखो आपका पिंग तो सही रहता है, 100 से नीचे होता है जो कि गेम चलने के लिए बहुत ही बेस्ट है, बट आपका गेम नहीं चलता। गेम नहीं चलने का मतलब है आपका से ग्लू वॉल अच्छे से नहीं लगेगा, गन पड़ा रहेगा जमीन पे वो नहीं उठेगा आपसे, फिर अगर आप एनिमी से फाइट ले रहे हो तो एनिमी आपको कब मार के चला जाता है ये भी पता नहीं चलता आपको। तो इस तरीके से अगर आप में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी को बोलते हैं पिंग नॉर्मल बट गेम नॉट वर्किंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए 110% मैं आपको बता रहा हूँ, बस 2 मिनट का टाइम लूंगा और आपका 100% ये सॉल्व हो जाएगा। एंड हाँ यार, आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं इसकी फुल गारंटी आपको देता हूँ। सो चलो जान लेते हैं इसको 2 मिनट में कैसे फिक्स करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले फोन का मेन सेटिंग होता है उसको ओपन करना है। जैसे सेटिंग ऑन करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है, इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। आप में हो सकते ये नहीं देखने को मिले तो आपको सिंपल सा सर्च सेटिंग में जाना है, इधर से लिखना है मोबाइल नेटवर्क। ओके, मोबाइल नेटवर्क जैसे लिखते हो तो आप में देखो ये वाला ऑप्शन आपको शो कर जाएगा और इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप में सर्च करके नहीं आ रहा तो एक बार बैक करना और इधर से मैनुअल आपको सर्च करना है। सर्च क्या करना है, देखो नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन, इस तरीके से करके आप में भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इंटरनेट ना मिले तो आपको सिंपल सा नेटवर्क देखना है, तो देखो मेरे में यहां नेटवर्क दिख रहा है, सिंपल सा इधर से क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही क्लिक करते देखो वही वाला ऑप्शन आ गया मेरे में, फिर आपको जाना है मोबाइल नेटवर्क में, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क आप पीछे भी जाके सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन आप में सर्च का ऑप्शन ना रहे तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर देखो मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है, सिंपल सा क्लिक करें, फिर यहां पे देखो सबसे नीचे एक्सेस पॉइंट नेम्स करके मेरे को एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। हो सके आप में यहां पे APN करके लिखा जाए तो उसी पे आपको क्लिक करना है, ये शॉर्टकट फॉर्म होता है APN, लॉन्ग फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है, इस पे सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो फिर आपको देखो यहां पे एक APN के बगल में प्लस का आइकन दिख रहा है, ठीक है, प्लस का आइकन दिख रहा है। उससे पहले नीचे देखो इंटरनेट करके एक मेरे में एक ही ऑप्शन शो कर रहा है, अभी मैं नया वाला बनाऊंगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो प्लस का आइकन दिख रहा होगा ना, उस पे सिंपल सा क्लिक करेंगे और देखो यहां पे नेम APN प्रॉक्सी, इस तरीके से आपको ढेर सारे ऑप्शन इधर से देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, बस दो को एडिट करना है। जैसे देखो नेम में जाना है, नेम में आपको लिखना है Jio 4G, वो भी सब छोटे लेटर होने चाहिए, ठीक है, Jio स्पेस 4G, ओके स्पेस 4G, यहाँ पे इतना लिख के आपको ओके कर देना है। नेम में ये चीज मैंने लिख दिया, अब नीचे देखो APN करके नॉट सेट लिख रहा है, तो इस पे भी हमको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो लिखने को आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, Jio नेट, वो भी सब छोटे लेटर होने चाहिए, ठीक है, Jio नेट, ओके बिना स्पेस दिए Jio नेट लिख के ओके कर देना, बिना स्पेस दिए ये ध्यान रखना, ठीक है, अगर स्पेस दे देते हो तो काम नहीं करेगा। ओके यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर देखो यहाँ हमने दो को एडिट कर दिया। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा 3 डॉट आपको बगल में दिख रहा होगा राइट साइड अपर कॉर्नर में, उधर से क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना। जैसे सेव करते हैं यहाँ पे एक और बन के आ जाएगा, पहले मेरे में एक ही दिख रहा था इंटरनेट करके ओनली, अभी देखो Jio 4G जो मैंने अभी बनाया वो दिख रहा है। तो इस पे सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेते जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, ये पहले वाला सेलेक्ट है, अभी दूसरा वाला जो मैंने बनाया उसको सेलेक्ट कर लिया। अभी ऐसा करते हो थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आपका जाएगा, वापिस से आ जाएगा, बाद आपको करना क्या, एक बार बैक जाना है, ठीक है। फिर से एक बार आप बैक जाओगे तो यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेट DNS करके, ठीक है, इसका मैंने बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं। तो प्राइवेट DNS में आपको क्लिक करना है, अगर आप में ये ना दिखे, इधर से आपको ना दिखे, तो सिंपल सा एक बार और बैक जाना है और सर्च सेटिंग आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके सर्च करना है प्राइवेट DNS, या फिर आप DNS ओनली भी सर्च कर सकते हो। जैसे DNS करोगे तो आप में प्राइवेट DNS का ऑप्शन आ जाएगा, इधर से आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करते ही आपको देखो वही वाले ऑप्शन में लेके चला जाएगा प्राइवेट DNS, ओके इधर से इस पे क्लिक करना है। अभी ऑफ पे क्लिक है, मैं यहां पे करूंगा प्राइवेट DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक, ओके जैसे यहां पे क्लिक करते हैं फिर आपको एक सर्वर का एड्रेस लिखना पड़ेगा, वो सर्वर का एड्रेस है dns.edgard.com, ओके Edgard भी लिख सकते हो आप या फिर गूगल भी लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप Edgard ही लिखो क्योंकि अभी बेस्ट चल रहा है Edgard, गूगल भी अच्छा काम करता है बट Edgard ही लिखना आप dns.edgard.com, इतना लिखने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कनेक्टेड हो चुका है, DNS हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपल सा होम बटन पे क्लिक करना और रिसेंट से सारे ऐप को हटा देना है, उसके बाद आपको सिंपल सा फोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करके जैसे ही आपका फोन ऑन होता है उसके बाद इंटरनेट को ऑन
करो और गेम को ऑन करके देखो, आपका सॉल्व हो ही जाएगा जो भी प्रॉब्लम आ रहा था। और मेरे को आके कमेंट में जरूर से बता देना अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। एंड यार कुछ बंदे का दूसरे कंपनी का सिम होगा लाइक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इस तरीके से सिम होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ जियो वाले के लिए था, मैं नेक्स्ट वीडियो हो सके तो उनके लिए बनाऊंगा, कॉमेंट मिलेगा तब। ठीक है, सो कॉमेंट करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिव बाय, टेक केयर।